मॉर्निंग क्लास 8 आईसीएससी, स्वागत है आपका। आयुष वर्मा, अनुभव, युवराज, शालिनी 9th में चली गई, और अनुष्का, गायत्री देवी, एंड आई एम मिसिंग समवन, इसका नाम मिस कर रहा हूँ, लिख दो कमेंट में। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आयुष वर्मा, गायत्री देवी, अनुष्का, युवराज सोनी, अनुभव, एंड मैं किसका नाम भूल रहा था, अरे आईसीएससी के बच्चे का ही भूल रहा था। मैं आईसीएससी पे जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कह रहा हूँ सॉल्व करो, उसका नाम भूल गया, उज्ज्वल। ओके, चलिए फाइनली बिगिन करते हैं अपना चैप्टर। क्या है चैप्टर? थर्ड चैप्टर का ई एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अभी हमारा क्या है, इवैल्यूएशन। हमने जैसे कल लास्ट टाइम सीखा था इवैल्यूएशन डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे रूट को निकालते हैं। अभी रूट के ही हमारे पास नंबर आए हैं, लेकिन डेसिमल वैल्यू है, और उसमें ये बोला गया है, उनको पता है कि डेसिमल डिवाइड होते हुए बहुत लेंदी जाएगा या रिकरिंग हो जाएगा, तो उन्होंने कहा सिर्फ दो डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकाल। चलो, हमसे कहा रूट 1.5129 को निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे 5129, ये वन इधर पेयर बन जाएगी, ये और एक ये बन गया, क्लियर है। तो हो जाएगा 1 1 जा 1 ही रहेगा, माइनस करेंगे 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो गया 2 हो गया, इधर क्या आ गया 51, ठीक है। अब 51 अब सीधी सी बात है, 22 इंटू 2 ही होगा, तो करें आप 22 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 44, अब इससे अब हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ 2 यहाँ पे 2, सीधी सी बात है क्या हो जाएगा 44 ब्रैकेट यहाँ पे 2 ऐड भी करेंगे, चलिए 44 माइनस करिए तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और ये हो गया 24, कितना हो गया 22 प्लस 2 24 हो गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स ऊपर खाली है, एक बॉक्स नीचे खाली है, यहाँ ऊपर से एक प्लेयर पूरा उतर आया 29, ठीक है, कितना आया 29। चलिए अब हम ढूंढ रहे हैं 24 ब्रैकेट में, पहले करेंगे 2 से, चलो करते हैं 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, ट्रायल कर रहे हैं 2 2 जा 4 हो गया, 484 नहीं होगा, बहुत ज्यादा पीछे है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से करते हैं, 3 से करें 243 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 यहाँ, 3 2 जा 6, 1 7, एग्जैक्ट 729 आ गया। चलिए यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 3, और यहाँ पे भी लिखेंगे 3। एक बात याद रखना है, इसी अभी हम क्या कर रहे हैं, गलत मिस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको किया, क्योंकि आप लिखो, आपने कमेंट में लिखा होगा यहाँ पे डेसिमल लगेगा, जैसे ही हम डेसिमल का नंबर, एक भी नंबर, एक भी प्लेयर हम नीचे उतारेंगे, वैसे ही हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 729, आंसर क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 246, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आगे हमें फर्दर कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, हमारा आंसर क्या आ गया 1.529 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.23, जो कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। फिलहाल उन्होंने कहा था टू डिजिट प्लेस तक करने के लिए, लेकिन जब एग्जैक्ट डिविजिबल है तो टू डिजिट प्लेस तक कोई मतलब उसका नहीं रह गया, थ्री डिजिट तक कहते तभी भी हम यहीं तक रहते, क्यों, क्योंकि इससे अब हम आगे नहीं जा सकते, रीजन का कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि रूट 7 की वैल्यू फाइंड करो अप टू 2 डेसिमल प्लेस। चलिए रूट 7 की वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकलेगी। चलिए रूट ऑफ सेवन, चलिए 7.0000, एक पेयर, दो पेयर, एक पेयर, ठीक है। अब पता है सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर 7 से पहले क्या है, 4, इससे पहले का स्क्वायर क्या है 4, तो हो जाएगा 4, 2 प्लस करो इसमें हो जाएगा माइनस 3, ये 0 0 नीचे उतर गया, क्लियर। अब ये हो गया 4, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट,
अब सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, जब हमने पॉइंट के बाद के नंबर उतारे तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। चलिए अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ पे भी सेम वैल्यू है और मल्टीप्लाई भी उसी सेम वैल्यूज करें और आंसर भी हमारा आ जाए। तो हम सोचेंगे सोचेंगे क्या सोचेंगे, फाइव से देखने करके, चलिए फाइव से देख के करते हैं क्या है। फोर फाइव इंटू फाइव, फाइव फाइव जो है 25, टू यहाँ फाइव फोर है 20, 22 नहीं हो रहा है। 46 इंटू सिक्स, 6 इज 36, 3 यहाँ 6, 3 जाए 6, 4 जाए 24, 24 और 27। चलिए एक और देख लेते हैं, 47 इंटू 7, 7 7 जाए 49, 4 यहाँ 7, 4 जाए 28, 28 ऊपर 4, 32, 329 गलत हो जाएगा तो यही लगेगा। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे और 6 यहाँ पे भी लिखेंगे तो हो जाएगा 276। माइनस करिए क्या हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा 2, 24 और ये 0 और 0। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये 46 का हो जाएगा, 46 हो जाएगा 52 हो जाएगा और एक ये बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अब किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 2400 से अथवा कम आए या तो 2400 एग्जैक्ट आ जाए लेकिन 2400 से अबव ना जाए। तो हमको पता है 52 से करना है, कैसे करेंगे, चलिए 52 3 जा देख लेते हैं। 523 इंटू 3, 3 जा 9, 32 जा 6, 36 5 जा 15 कम है। चलिए देखते हैं 523 इंटू 4 देख लेते हैं, 4 3 जा 12, 1 यहाँ, 4 2 जा 8, 1 9 यहाँ, 4 5 जा 20, 2092। अब इससे अब अगर जाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, 500 अब हो जाएगा तो हम 4 टाइम ही रखेंगे, यहाँ 4 रख दिए तो क्या आ गया 2092 आ गया। माइनस करिए, माइनस कीजिए क्या आ गया 304 आ गया। देखिए अभी और डिवाइड करेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, ये दो जीरो आपने और लगा दिया, चलो फिर उतार दो दो। आप और भी जा सकते हैं और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलिए ब्रैकेट ये होगी चेक कर लेते हैं और भी करके देख लेते हैं क्योंकि ये और डिविजिबल होगा। लेकिन हमसे पूछा कितनी दूर तक गया था, दो डिजिट तक, दो प्लेस तक हमने निकाल लिया फिनिश। लेकिन अगर हम बता रहे हैं और देख लेते हैं क्या और भी डिवाइड हो रहा है, चलिए देखते हैं। थ्री फोर जीरो जीरो, चलिए फाइव टू एट थ्री टू से करते हैं, टू से इंटू टू, टू टू जा फोर, टू एट टू जा सिक्सटीन, वन यहाँ, टू टू जा फोर वन फाइव, टू फाइव जा टेन नहीं हो रहा है। चलिए और देखते हैं, 5 3 जा 15 हो जाएगा हमारे हिसाब से, इसमें करते हैं 4 रखते हैं, 4 नहीं 5 रखते हैं, 5 2 8 5 इनटू 5, 5 5 25, 2 यहां 5 8 जा 42, 4 यहां 5 2 जा 10 14, 1 यहां 5 1 5 जा 25 1 26। अगर अब 500 ऐड करेंगे, चलिए एक और देख लेते हैं, 5, 2, 8, उसके बाद और देख लें 6 देख लेते हैं, 10 to 6, 6 is 36, 3 यहाँ, ठीक है, 6, 8 जा 42, नहीं, 6, 8 जा 48, 48 करें, 48 plus 2, 50, 51, 5 यहाँ, 6, 2 जा 12, 5, 12, 5, 17 हो जाएगा, 1 यहाँ, 6, 5 जा 30, 31 हो जाएगा जो कि आगे बढ़ जा रहा है। तो हम कौन सा रखेंगे, यही वैल्यू रखेंगे, 5 5 यहाँ रखा, 5 यहाँ रखा, क्या आ गया, और 5 यहाँ भी रखे तो क्या आ गया 26425। माइनस करेंगे फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इसी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए इसमें पहले से ही बोल के रखा है क्या करना है, अप टू टू डेसिमल प्लेस, ओनली अप टू टू डेसिमल प्लेस तक ही सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं।
अभी क्या है थर्ड चैप्टर, इवेल्युएट रूट 3.8, इवेल्युएट रूट 3.8, चलिए अप टू 2 डेसिमल पे 3.8000000, दो डिजिट तक करना है तो दो ही पेयर बना देते हैं, बस एक पेयर ही हो गया। तो इसमें क्या होगा, सबसे भाई 2 से कम 3 से कम तो कोई स्क्वायर नहीं, तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस करें 2 आ जाएगा, 1 करेंगे प्लस 2 ब्रैकेट ये 2। अब दो डेसिमल, दो हमें उतारने हैं वैल्यू डेसिमल के बाद, तो डेसिमल हमने प्लेस लगा दिया, चलिए वैल्यू उतारिए क्या हो जाएगा 8 0। ठीक है अब क्या करेंगे, आप यहां पे रखेंगे 9 9 into 9, जब 9 into 9 करेंगे कितना आ जाएगा 261 आ जाएगा, 9 यहां भी रखेंगे। ठीक है से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, फिर 00 उतार देंगे, ये हो गया 29, 9 कितना हो गया 38 हो गया 38। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट फिर सॉल्व करें क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है 4 आएगा तो आप सॉल्व करें कितना आएगा, ये हमने सब ट्रायल करके देखा है, आप चाहें तो ट्रायल करेंगे, आप ट्रायल करेंगे आसानी से डिवाइड करेंगे 364, यहाँ क्या रख देंगे 4। ठीक है हमने दो डिजिट प्लेस तक वैल्यू निकाल लिया है, और आगे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक्सटेंड होता ही चला जाएगा, इसीलिए इसमें कहा गया दो डिजिट प्लेस तक ही निकालना है। ठीक है चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करिएगा, थर्ड ई एक्सरसाइज ही हमें लगता है, थर्ड चैप्टर आज ये हो गया है समाप्त, और फिर हम शुरू करेंगे कौन सा फोर्थ चैप्टर, और उज्जवल जितनी जल्दी ही फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस और अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेंगे। क्लियर चलिए देखते हैं, लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 4.8 मीटर और 2.7 मीटर, तो इसके एरिया के इक्वल स्क्वायर का एरिया, तो क्या हो जाएगा 4.8 मीटर इनटू 2.7 मीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 12.96 क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका निकल गया तो एक साइड क्या होगा, रूट ऑफ 12.96। चलिए क्या हो जाएगा, सबसे एक पेयर दो पेयर बन गया, अब 12 से पहले कौन सा आपका सबसे नियरेस्ट कौन सा है 3 3 3 9, 3 ऐड करें 6 हो जाएगा, 9 माइनस करेंगे आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 9 और 4 12 होता है, नहीं 9 और 3 12, 3 और ये डेसिमल लगा के जो सारा वैल्यू निकल आएगा 90 से वापस आ जाएगा। ठीक है आपको पता है 6 6 36 आता है, मतलब 3 आसपास आएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट ये ब्रैकेट यहाँ पे रखें 6, यहाँ पे भी रखें 6, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 396 ही आ जाएगा, वो हो जाएगा वैल्यू कट आ जाएगी 0 आ जाएगा, तो 3.6 है वो क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, वही तो क्वेश्चन पूछा था निकाल दिया। ठीक है क्वेश्चंस करिएगा सभी लोग, आयुष वर्मा अनुष्का उज्ज्वल अनुभव युवराज सोनी और कौन कौन रह गया, कौन रह गया कमेंट कर रहे हैं जिसका नाम रह गया वो, ओके गुड बाय। सभी लोग ध्यान पूर्वक क्वेश्चंस करिएगा, जहां कहीं पे भी डाउट हो फ्रीली पूछिएगा, ओके गुड लक टू सॉल्व द क्वेश्चंस ओनली, और अब संडे संडे जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके अगर पेरेंट्स ग्रुप पे अगर मार्क्स पड़ रहे हैं तो अच्छे नंबर पढ़ने चाहिए यार, खराब नंबर नहीं हर बार भेजे तिकराना।